छिंदवाड़ा, नागपुर सहित भारत के विभिन्न स्थानों पर संस्कार सेना ने मनाया पितृ दिवस। युवा पीढ़ी को दिया माता पिता के सम्मान का संदेश। 6 जुलाई संस्कार सेना के स्थापना दिवस पर अयोध्या में भव्य आयोजन का दिया निमंत्रण। 16 जून को मंडीदीप भोपाल स्थित होटल प्रकाश एंड संस में प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश राय के नेतृत्व में पितृ दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया, तो नागपुर में प्रीति भाल ने अपने निज निवास पर पितृ दिवस आयोजन रखा। वही छिंदवाड़ा में जिला अध्यक्ष यशवंत रघुवंशी ललिता सरवैया की टीम ने फादर्स डे को पितृ दिवस के रूप में मनाते हुए युवा पीढ़ी को माता पिता के सम्मान का संदेश दिया। इस मौके पर संस्थापक हरभजन जांगड़े, राष्ट्रीय सचिव अलका ध्रुवे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमेश सोनी, मीडिया प्रभारी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रकाश दुबे, प्रदेश उपाध्यक्ष विमलेश ठाकुर ने आगामी 6 जुलाई अयोध्या में आयोजित कार्यक्रम का भी सभी देशवासियों को न्योता दिया। जून को पितृ दिवस यानी फादर्स डे का आयोजन हमने यहाँ पर करा है। आज पूरी दुनिया अपने फादर्स डे को मनाती है। हम आज के नवयुवक बच्चों को ये संस्कार देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि वे अपने माता पिता की भगवान से ज़्यादा सम्मान करें, उनका पूजन करें, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया। एक पिता के बारे में तो बताने के लिए मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है। एक पिता जब अपने बच्चे को पालता है, वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है अपने बच्चे को पालने के लिए। वो किसी भी हिसाब से अपनी ज़िंदगी जिएगा, पर अपने बच्चे के लिए बच्चा बच्चा करने की कोशिश करेगा, तो उंगली पकड़ के चलना सिखाता है। बच्चा जब जवान हो जाता है, अपने कदमों पर खड़ा हो जाता है और अपने पिताजी का सम्मान नहीं करता, तो उसके दिल से पूछिए उस समय उसको क्या गुजरती है। कई लोग वृद्धाश्रम में रहते हैं, कई लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं। मैं आज उन युवा और साथियों से सभी से बताना चाहता हूँ, बच्चों को कहना चाहता हूँ कि अपने पिताजी का सम्मान सबसे पहले करें, अपनी माताजी का सम्मान सबसे पहले करें। अगर जिन्होंने सम्मान किया है, जिन्होंने संस्कार सेना केवल इसी उद्देश्य को लेकर काम करती है, संस्कार सेना जो काम कर रही है पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है, पितृ दिवस, मातृ दिवस, 6 जुलाई को स्थापना दिवस जो आने वाले 6 जुलाई को अयोध्या में रखा गया है, उससे इस भव्य प्रोग्राम के लिए हम हिंदुस्तान के सभी प्रदेशों से कहना चाहते हैं, उन सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि वे सभी संस्कार सेना के प्रोग्राम में आए और साथ में भगवान राम के दर्शन भी करें। इससे अच्छी पावन जगह कहीं नहीं हो सकती है। अभी पिछले दिनों संस्कार सेना का एक आयोजन छिंदवाड़ा में किया गया, उसी के अगले दिन नागपुर में किया गया, एक महाअधिवेशन अभी मुंबई में किया गया। संस्कार सेना लगातार काम कर रही है। संस्कार सेना लोगों को केवल दे रही है, देना ले कुछ नहीं रही है। अगर आप अपने माता पिता का सम्मान करोगे, इज्जत करोगे, उनको भगवान मानोगे, उनका आशीर्वाद लोगे, संस्कार सेना को क्या मिलेगा? और हमें बताओ, आपके माँ बाप खुश रहेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हम तो आपके परिवार को खुश रखने के लिए ये संस्कार सेना काम कर रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज पितृ दिवस की सभी को बधाई देता हूँ और सभी लोगों से आह्वान करता हूँ कि भगवान के समान अपने पिताजी का सम्मान करें। जय जननी, जय माता पिता। आज सभी को बधाई। इस आयोजन का रखने का हमारा जो मूल उद्देश्य था, एक तो पितृ दिवस था, दूसरा आगामी 6 जुलाई को हम अयोध्या में संस्कार सेना का स्थापना दिवस मना रहे हैं, और इसी को लेकर संपूर्ण भारतभर से जो हमारे पदाधिकारी सदस्यगण, वो जो माता पिता की सेवा में भावना रखने वाले हैं, सभी को हम सादर आमंत्रित करते हैं। जो व्यवस्था संस्कार सेना द्वारा बनाई गई है, वहाँ 3 तारीख से लोगों का जाना प्रारंभ हो जाएगा और 3 से 4-5 तक आप वहाँ पहुँच सकते हैं। 6 तारीख को हमारा आयोजन रखा गया है। संस्कार सेना की तरफ से रुकने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था रखी गई है। जहाँ तक बात है जाने की, जो व्यवस्थाएँ हैं, ट्रेनों की व्यवस्थाएँ हैं, उस पर विशेष हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपके रिजर्वेशन 3 तारीख से डायरेक्ट अयोध्या के लिए होते हैं तो वो करवा लें, अन्यथा अगर कोई लेट होता है तो यहाँ से सीधा मनकापुर के लिए आप अपने रिजर्वेशन करवाएं, और मनकापुर से 28 किलोमीटर मात्र अयोध्या है, जो बस के द्वारा, लोकल ट्रेन के द्वारा बड़ी आसानी से पहुँचा जा सकता है। किसी को भी अयोध्या पहुँचने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। संस्कार सेना के हमारे संस्थापक जी हैं, पहले वहाँ का अवलोकन कर चुके हैं, वहाँ की व्यवस्था को व्यवस्थित कर चुके हैं। अब सवाल है केवल संपूर्ण भारतभर से जो भी सदस्यगण, पदाधिकारीगण और संस्कार सेना की भावना रखने वाले सदस्य पहुँचेंगे, उनको अपने एक रूट समय निश्चित
पहले ही करना होगा ताकि हम समय से पहुँचे और संस्कार सेना के आयोजन को सफल बनाएं। जय मातृता, जय संस्कार सेना। कार्यक्रम रखा गया है संस्कार सेना के माध्यम से, और संस्कार सेना ने पूरे मध्य प्रदेश में नहीं पूरे भारत में माता पिता के सम के लिए बेटा और अपने बच्चे कैसे समर्पित हों, उनको कैसे चाहें, आज के कलयुग में जो परिवर्तन दिख रहा है इसको बदलने के लिए हमारे संस्थापक जांगड़े जी के माध्यम से यह कार्यक्रम संचालित हो रहा है। और संस्कार सेना जो बनाई गई है संस्कार के जैसा